हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दैट व्हाट इज जेनरिक मेडिसिन एंड व्हाट इज ब्रांडेड मेडिसिन एंड द डिफरेंस बिटवीन जेनरिक एंड ब्रांडेड मेडिसिन। तो बात किया जाए कि ब्रांडेड मेडिसिन क्या है। तो ब्रांडेड मेडिसिन हम जैसे नाम से ही वो डिफाइन हो रहा है कि ब्रांडेड मेडिसिन क्या है, कि कोई भी मेडिसिन किसी ब्रांड के अंदर अगर मैन्युफैक्चर होता है तो उसे हम ब्रांडेड मेडिसिन कहते हैं। जैसे कि सिप्ला, एल्केम, मैनकाइंड, ये जो अपने अपने डिफरेंट ड्रग बनाते हैं तो उनके ड्रग में अलग से मतलब साइड में लिखा रहता है उनके कंपनी का नाम, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम। और जेनरिक मेडिसिन ये होता है कि मतलब वो जो सॉल्ट होता है मेडिसिन का, या बोल सकते हो कंपोजिशन जो होता है मेडिसिन का, उस नाम से मेडिसिन बेचते हैं। और तो ये बात हो गई कि व्हाट इज़ जेनरिक मेडिसिन एंड व्हाट इज़ ब्रांडेड मेडिसिन। तो बात किया जाए इसके प्राइस के बारे में कि कितना में हमें मिलता है। तो जो ब्रांडेड मेडिसिन होता है वो जेनरिक मेडिसिन से काफ़ी हाई प्राइस का होता है। जैसे कि अगर जेनरिक मेडिसिन है, अगर वो 10 रुपए का मिलेगा तो ब्रांडेड मेडिसिन हो सकता है वो 60 का मिले, 70 का मिले, 100 का मिले, 100 का भी मिल सकता है। तो ये तो हो गई प्राइस के बारे में। तो मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं यहाँ पर। तो जो अगर बात किया जाए एक्टिव इंग्रेडिएंट के बारे में जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन के, तो एक्टिव इंग्रेडिएंट वो होता है जिसके लिए हम ड्रग लेते हैं, जो एक्चुअली हमें हमारे बॉडी में अंदर जाके वर्क करता है। जैसे कि अगर हम हाइपरटेंशन का मेडिसिन ले रहे हैं तो वो हमारे ब्लड प्रेशर को कम करेगा। तो ब्लड प्रेशर को कम करने से रिलेटेड जो भी ड्रग हुआ वो हो गया उसका, मतलब ब्लड प्रेशर को कम करने से के लिए जो भी कंपोनेंट होता है मेडिसिन में, तो वो हो गया एक्टिव इंग्रेडिएंट। ये बस मैंने एग्जांपल के लिए बताया। तो अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात किया जाए तो ब्रांडेड मेडिसिन में भी वही एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, और जो जेनेटिक मेडिसिन होता है उसमें भी सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। अब बात करते हैं इनएक्टिव इंग्रेडिएंट अगर बोला जाए तो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट वो होता है कि जैसे कि अगर हम कोई भी ड्रग बना रहे हैं तो वो दो चीज़ों से बनता है, एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एक एक्सीपिएंट होता है। जो एपीआई होता है वो मेन ड्रग होता है, और जो एक्सीपिएंट होता है वो एक्स्ट्रा से हम ड्रग को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, उसका साइज बढ़ाने के लिए, या फिर उसका अपीयरेंस बढ़ाने के लिए, या उसका टेस्ट मास्क करने के लिए, या फिर उसे प्रॉपर डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये होता है एक्सीपिएंट। तो ये होता है इनएक्टिव इंग्रेडिएंट। तो अगर देखा जाए ब्रांडेड मेडिसिन और जेनेटिक मेडिसिन, तो इसमें इनएक्टिव इंग्रेडिएंट वैरी करता है। मतलब जेनेटिक मेडिसिन में अलग एक्टिव इंग्रेडिएंट, सॉरी इनएक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, और जेनेटिक मेडिसिन में अलग इनएक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। तो ये हो गई इनएक्टिव इंग्रेडिएंट के बारे में। तो अब बात किया जाए स्ट्रेंथ और डोसेज के बारे में। तो जो जेनेटिक मेडिसिन होता है और जो ब्रांडेड मेडिसिन होता है, दोनों का सेम ही स्ट्रेंथ और दोनों का सेम ही स्ट्रेंथ और डोसेज जो भी बोले, तो वो दोनों का सेम ही रहता है। तो बात किया जाए अपीयरेंस के बारे में कि मतलब ब्रांडेड मेडिसिन कैसा दिखता है, कैसा उसका अपीयरेंस होता है, और जेनेटिक मेडिसिन कैसा होता है। तो हो सकता है कि ब्रांडेड मेडिसिन और जेनेटिक मेडिसिन में अपीयरेंस में डिफर करे, क्योंकि आप समझ रहे हो ना कि ब्रांडेड मेडिसिन है, तो ब्रांड वाले ऐसा ही चाहेंगे कि हम जो भी मेडिसिन में आए वो कुछ अट्रैक्टिव दिखे। जेनेटिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन की अपीयरेंस की बात किया जाए तो डिफर करता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि हमें ब्रांडेड मेडिसिन खाना चाहिए या फिर जेनरिक मेडिसिन ही खाना चाहिए। तो अगर ऐसे बोला जाए तो कोई डिफरेंस नहीं होता है ऐसे, मतलब एक्शन की। अगर हम जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन ले रहे हैं तो अगर हम वो इनटेक कर रहे हैं तो दोनों का एक्शन सेम होता है। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो अगर घर में हम कॉफ़ी पीते हैं तो वो भी CNS स्टिमुलेंट का काम करता है, और अगर हम किसी कैफ़े में जाके महंगा कॉफ़ी पिए तो वो भी सेम एक्शन करता है। तो यही डिफरेंस है कि आप मतलब जेनेटिक मेडिसिन में ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वो हार्म करेगा या ऐसा वैसा कुछ। तो आई होप आपको इस वीडियो से नॉलेज मिल गया होगा कि जेनेटिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन क्या होता है, और हमें लेना चाहिए मतलब इनटेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपको डेफिनेटली जेनरिक मेडिसिन लेना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि ज़रूरी कि अगर वो कम प्राइस में मिल रहा है तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट होगा, या फिर कोई उसका मतलब वो इतना
काम नहीं करेगा जितना ब्रांडेड मेडिसिन करेगा, वो भी उतना ही काम करेगा जितना कि ब्रांडेड मेडिसिन करेगा। बात यही होता है कि ब्रांडेड मेडिसिन में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा पैसा लगता है, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल में या फिर चेकिंग में, लैब में, और भी बहुत सारे होते हैं लाइसेंस लेने में, और भी बहुत सारे काम होते हैं उनमें ज़्यादा पैसा लगता है, तो इसलिए उसका प्राइस ज़्यादा होता है। और ऑब्वियसली वो ब्रांड का मेडिसिन है तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा ही, और जेनरिक मेडिसिन में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो एक्चुअल में सॉल्ट के नाम पे बनाते हैं मेडिसिन और उनको रिसर्च में भी पैसा नहीं लगता है, तो इसलिए जेनरिक मेडिसिन सस्ता होता है। तो अगर आप सोच रहे हो जेनरिक मेडिसिन लेने का तो डेफिनेटली लो, ऐसा कोई कुछ नहीं है कि आपको कोई साइड इफेक्ट होगा या कम एक्शन करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट।